अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नवीद अख्तर हाजमी सिटी 442 की जानब से। मैं आज उकाड़ा की बहुत ही अहम जगह पे खड़ा हुआ हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको उकाड़ा की खूबसूरती भी सामने लेके आऊँगा और उकाड़ा के वसाइल को भी सामने लेके आया हूँ। तो आज उकाड़ा का जो हिस्सा मैं रिकॉर्ड करने के लिए लेके आया हूँ वो सबसे फेमस है, जिसका नाम है कंपनी पार्क। ये ओल्ड नेम है, न्यू इसका नेम रखा गया है सफदर शहीद पार्क के नाम से। पीछे आप इसका गेट देख रहे होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे जाके हम मजीद बताएंगे, पहले आए गेट का व्यू देते हैं। गेट का व्यू, अंदरूनी हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी बारे में, बाग के बारे में कुछ, मगर थोड़ा सा पहले इर्द-गिर्द का व्यू ले लें प्लीज। जी, यहाँ से कंपनी पार्क की एंट्रेंस हो रही है और ये इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं और इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ इर्द गिर्द यहाँ बॉयज़ कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, हॉस्पिटल है, यानी उकाड़ा की जितनी भी फेमस तरीन जगह है वो सारी यहीं पर हैं। तो आए ज़रा कंपनी पार्क को, क्योंकि आज हमने इसका पूरा व्यू लेना है। आए ज़रा आगे बढ़ते हैं प्लीज़, ये दिखाओ। राजन, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मेरी दाएं साइड के ऊपर कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं जो यहाँ आते हैं और अक्सर दिखाएं। ये स्टूडेंट यहाँ कॉलेज से आते हैं फ्री टाइम में और यहाँ आके स्टडी करते हैं। इसी तरह हम भी जब यहाँ स्टूडेंट थे तो हम भी आया करते थे। आगे आगे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएँ प्लीज़। उकाड़ा एक छोटा शहर है, मगर उनकी इंटरटेनमेंट लोगों की यही काफ़ी है कि यहाँ पे लोग आते हैं। पार्क में अच्छा पार्क बना हुआ है लोकल लेवल पे, कि यहाँ पे लोग सैर करने आते हैं। शाम को यहाँ बहुत रौनक होती है, मगर इस वक्त तो सुबह का टाइम है, रौनक कम है, मगर मैं इसको सही कैप्चर करने आया हूँ क्योंकि दिन की रोशनी में इसे अच्छी तरह कैप्चर किया जा सकता था। आगे बढ़े आप, नाज़रीन ये इस पार्क में एक फाउंटेन बना हुआ है, ये रात को चलता है और बड़ा खूबसूरत लगता है। मैं कंपनी पार्क की हिस्ट्री के बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब अभी मेरी भी उम्र तकरीबन 35 साल हो गई है, तो जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद साहब जिंदा थे, उनको भी फौत हुए, 27 साल होगा, तो मुझे बताया करते थे कि बेटा जब हम बच्चे थे तो हम इस पार्क में आते थे। इससे मुझे ये तो पता चलता है कि ये पार्क इंतहाई पुराना है, यानी कि हो सकता है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले का हो। मैंने यहाँ इर्द गिर्द के लोगों से पूछा है, इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की कि मुझे बताएं ये पार्क कब बनाया गया, इसकी डेट क्या है, मगर किसी ने मुझे परफेक्ट तो नहीं बताई, मगर सब ने मुझे यही कहा है कि ये पार्क बहुत पुराना है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। पार्क की खूबसूरती आप यहाँ से देख सकते हैं कि इर्द गिर्द झूले, दूर दूर से व्यू लें। यहाँ पे लोग आते हैं अक्सर घूमने, कुछ लोग रिलैक्स होने आ जाते हैं। आए अगर किसी से मिलते हैं, हम पूछते हैं उनसे कैसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? हम बताते हैं। कैसे आना हुआ यहाँ? मैं इधर इंजॉय के लिए आया था, बहुत देर बाद मैंने कहा पे छुट्टी थी महीने डेढ़ बाद, तो आज इंजॉय कर लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। और भी लोग आते हैं यहाँ? बहुत आते हैं। कब से रह रहे हैं आप यहाँ?
मैं तो इधर आया हूँ, कोई 3 माह से आया हूँ आज मैं। नहीं नहीं, उकाड़ा में आपकी रहायश है? मैं यहाँ इधर। आपने ये कब से पार्क देखा है? मैंने ये देखा है बचपन से, देखा है मैंने जब उस समय 12-13 साल में, उस वक्त ये पार्क था। ये नहीं मुझे बता रहा, मैंने और भी लोगों से पूछा कि मुझे बताएं कि ये पार्क कब बनाया, मगर मुझे कोई बता नहीं रहा परफेक्ट डेट कि ये किस सन में बनाया गया, ये नहीं पता। क्योंकि मेरे वाले साहब जो उनसे थे, मैं भी उकाड़ा गई हूँ, वो भी कहते हैं कि बचपन में हम इस पार्क में आते थे। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो? इधर कोई स्लेट नहीं लगाई उन्होंने कि बंदा खुद देख ले। जी जी, किसका ये हिसाब किताब, कब बना ये, कब डेट है इसकी, किसी ने इसे लिख। चलिए ठीक है जी, इंजॉय कीजिए, हमने इस पार्क को और कैप्चर करना। आ जाए क्या लाजम, ये ग्रीनरी साथ साथ लगी हुई है, ये पार्क की खूबसूरती में इजाफा कर रही है। ठीक है, ये पार्क की बेहतरी के लिए, एक लोकल लेवल पे अच्छी इंजॉयमेंट के लिए ये पार्क बनाया गया है। अच्छा, आप देखेंगे इस पार्क में जगह जगह स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो कॉलेज से निकलते हैं और पढ़ने आते हैं। इधर भी जरा व्यू लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ भी बैठे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, यानी हमें इस पार्क में जगह जगह स्टूडेंट्स नजर आते हैं। इनको भी ले, यानी बेसिकली तो यहाँ ये स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इर्द गिर्द कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेज भी है, बॉयज़ कॉलेज भी है, इसके अलावा यहाँ प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो तमाम कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और पढ़ते हैं। आए ज़रा एक और जगह, इस जगह पे एक खूबसूरत जगह है, मैं वो भी आपको दिखाता चलूँ। आप देख रहे हैं इर्द गिर्द यहाँ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, कोई कहाँ बैठा होगा, कोई कहाँ बैठा होगा। तो ये वो जगह है, ये मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो उनसे हैं जरूफ यहाँ पे जो उनसे हैं, ये मेरी आंखों के सामने लगाए गए थे। मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो मैंने ये अपनी आंखों से देखा कि इसको जब फिक्स किया गया था, जब यहाँ पे इसको फिक्स किया गया था और यहाँ पे हमने तस्वीरें भी आके बनवाई, तो बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ पे। ये पार्क का एक और गेट है यहाँ पे, जिससे लोग इधर से भी इंटर होते हैं, क्योंकि साथ ही इसके हमें बॉयज़ कॉलेज, इस तरफ पे इसके बॉयज़ कॉलेज है और यहाँ पे मेन रोड है जो चंडी सड़क के नाम से बड़ा मशहूर है। और इसी तरह हम पीछे की तरफ जाएं तो हॉस्पिटल है, गूगल चौक है जो कि उकाड़ा की बड़ी फेमस प्लेसेस है, इसके साथ गर्ल्स कॉलेज है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेज भी इसके साथ साथ हैं, इसलिए यहाँ पर रौनक रहती है और स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पार्क की देखें जरा ब्यूटी, यहाँ पे ये देखें फूल खिले हुए हैं, कुछ मुरझाए हुए हैं सीजन की वजह से। ये पार्क की ईस्ट साइड का व्यू जरा कंप्लीट दिखाएं, यानी ये मशरकी एरिया है सारा पार्क का। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था तो मैं भी यहाँ के एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं भी अपने क्लास फेलोज के साथ यहाँ पे आता, हम यहाँ बैठते, गोलगप्पे खाते, कभी चाट खाते। यहाँ पे एक बहुत, इस कॉर्नर पे एक बड़ी खास मशहूर जगह है इधर, मुल्ला फ्रूट चाट के नाम से, अगर इसको करें इधर ये दिखाएं इनको। यहाँ के पीछे यहाँ पे मुल्ला फ्रूट चाट है जो उकाड़ा की बहुत फेमस दुकान है, इसके साथ केक्स एंड बेक्स है जी। तो ये दुकानों में हम यहाँ से चाट खाते और यहाँ अक्सर गोलगप्पों की रेड़ियाँ लगती, तो हम यहाँ से आवाज़ देते और गोलगप्पे मंगवा के खाते। तो इस पार्क से, यानी मेरा भी बड़ी दिल लगी है, मेरा यहाँ पे टाइम गुजरा है, मास्टर डिग्री के दिनों में हम यहीं आया करते थे। और बहुत सी मेमोरीज हैं, ख़ास तौर पे जब मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा यहाँ आते थे, उनको फौत हुए तो 28 साल हो गए,
मगर जब मैं सोचता हूँ कि मेरे पापा यहाँ आते हैं तो मुझे इस पार्क से और मोहब्बत हो जाती है। मैं इसके बारे में सोचता हूँ और ख्याल करता हूँ कि कैसे मेरे बुजुर्ग यहाँ आते रहे इंजॉय करने के लिए, और आज हम आ रहे हैं। पार्क जिंदा है मगर हमारे बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं। ये बात बड़ी जोसी है, हैरत अंगेज है। इन दरख्तों की उम्र जोसी है हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा लंबी है, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड दरख्त लगे हुए हैं। बहरहाल पार्क जो है ये उकाड़े का सबसे फेमस पार्क है। उकाड़ा में और भी एक दो पार्क हैं, जैसे जना पार्क है, राइड्स एंड टाइड्स है, जॉयलैंड है, मगर ये पार्क जो है ये सबसे ज़्यादा मरकज़ है लोगों का, इसलिए कि ये शहर के दरमियान में है। इर्द गिर्द जो सारा एरिया है वो जो है उकाड़ा की सबसे बड़ी आबादी को घेरे हुए यही पार्क है। बहुत दूर दूर से लोग अगर आते हैं शहर में, कोई विज़िट करने आता है, कुछ ख़रीदारी करने आता है, तो वो लोग इस पार्क में ज़रूर आते हैं। अगर किसी ने कुछ खाना पीना हो, एंजॉय करना हो, किसी ने रेस्ट करना हो, तो वो यहाँ पे आके इस पार्क में रुकेंगे। कुछ लोग घर की बातें करने आ जाते हैं। हमने मशरकी साइड देख ली, फिर गेट पे आ गए। एक दफा गेट दिखाए उनको। ऑडियंस के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। मैंने कहा कि मैं भी अपने कॉलेज दौर में और मास्टर डिग्री के दौर में यहाँ आता रहा और यहाँ आके स्टडी करता रहा। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हम उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ ये क्यों आते हैं, इन्हें क्या खुशी मिलती है यहाँ आके। क्या हाल है भाई? जी भाई, किस कॉलेज के स्टूडेंट हैं? गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, स्टडी करने आए हो? बड़ी अच्छी बात है। कितना टाइम यहाँ गुजारते हैं? रोज ही आते हैं, तो यहाँ आने का फ़ायदा है। इसका मतलब पार्क को हम समझें कि अच्छी चीज़ है, इसका नुकसान तो नहीं है इस पार्क। चलें, फेसबुक पे हमारा चैनल है सिटी 442 के नाम से, जहाँ भी अपनी मूवी देखी सिटी 442 के नाम से। जी आ जाओ। अच्छा, मैंने आपको ईस्ट साइड दिखाई है, अब हम इसकी मगरबी साइड पे जा रहे हैं, यानी कि वेस्ट साइड पे पार्क की जा रहे हैं, कि यहाँ कुछ झूलों का भी इंतज़ाम किया गया है और बैठने के लिए भी यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनाया गया है कि जहाँ इंसान बैठ सकता है। ये मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ कैसा है। ये देखें, ये चेयर्स लगाई गई हैं, यहाँ पे लोग आके बैठते हैं। मगर ये देखें, साथ में मसाइल भी दिखाता चलूँ कड़ा के, यहाँ पे ये देखें, ये सारा कुछ टूटा हुआ है, ये इसको किसी ने सही नहीं किया, यानी TMO वालों को इतना नहीं पता कि यहाँ पे कोई बच्चा बैठ जाए तो ज़ख्मी हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है। चेयर्स का क्या हाल हो चुका है, पेंट नहीं किया गया, तो ये देखें इसकी पीछे जो सी है वो भी नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो इंतज़ामिया है उकाड़ा की, वो इसकी तरफ ध्यान दे कि यहाँ अगर किसी बच्चे का हाथ ज़ख्मी हो जाता है या कट जाता है तो उसका कितना नुकसान हो सकता है, इसकी तरफ भी तवज्जो दीजिएगा। पार्क की खूबसूरती हम देख रहे हैं मगर साथ साथ इसके मसाइल भी देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखें, यहाँ पे जश्न बहारा अभी गुजर के गया है, तो जश्न बहारा में यहाँ एक नर्सरी लगाई गई थी और खूबसूरत चीज़ें लगाई गई। ये अभी उसके असरात नज़र आ रहे हैं। जश्न बहारा तो गुजर गया है मगर अभी तक उसके असरात नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे खूबसूरत बनाया गया था। आगे बढ़ें ज़रा। अच्छा जी, ये पार्क के यानी के वेस्ट साइड के हम कॉर्नर पे आ गए हैं,
यहाँ पे देखें, ये कुछ जानवर लगाए गए हैं, ये घोड़ा लगाया गया है इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए। ये देखें, ये घोड़ा है इधर, इस तरह वो भैंस जोंसी है वो नजर आ रही है हमें, और वो कुछ और कॉर्नर पे हैं। और इधर से दिखाएं जरा कितनी खूबसूरती है ये पार्क। नो डाउट के उकाड़ा के छोटे से शहर में ये पार्क जोन सा है, ये बेहतरीन जगह है स्टूडेंट्स के बैठने के लिए, और अगर किसी ने रिलैक्स होना है या कुछ खाने पीने के लिए निकलना है या कम से कम किसी ने अपनी टेंशन अगर डिस्कस करनी है तो वो इस जगह पे आए और आके डिस्कस करें। आए जरा कुछ झूलों का भी यहाँ इंतजाम किया गया है, उस पर बैठते हैं। यहाँ सफाई का इंतज़ाम किया गया है, देखें साथ साथ सफाई कर रहे हैं, मगर यहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान की आवाम हमारी कुछ ऐसी है कि जितनी भी हम सफाई करें सफाई रहने नहीं देते, मगर कोशिश है TMO की ये कि वो इसको साफ कर दें। अब है ये लास्ट कॉर्नर है इस पार्क का, यहाँ पे कुछ झूलों का अरेंज किया गया है। ये देखें, ये स्विंग्स लगे हुए हैं, ये झूले जो उनसे हैं ये इस पार्क में लगाए गए हैं, शाम को लोग आते हैं और यहाँ इन झूलों पे एंजॉय करते हैं। ये मैं कुछ आगे भी आपको दिखाता चलूँ, ये देखें ये बच्चे जो उनसे हैं एंजॉय कर रहे हैं यहाँ स्लाइड पे।